नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी को विकास जैसी इंडिया पे। मैं हूँ विकास कुमार। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि भारतीय राजनीति के अंदर यह मुद्दा उठ रहा है कि भारत माता की हत्या किसने की। यहाँ पे राहुल गांधी जी के द्वारा संसद में यह बयान बोला गया है कि भारत माता की हत्या किसने की, और यह मणिपुर के बारे में भी बोले हैं। यह वीडियो आप देख सकते हैं। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जवाब देते हुए बोला कि भारत की हत्या हम नहीं कर रहे, इससे पहले हो चुका है कि पहले पाकिस्तान विभाजन से, बांग्लादेश विभाजन से और श्रीलंका विभाजन से। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला है कि कच्चा तिबू आइलैंड को भी श्रीलंका को दे दिया भारत ने। यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तब उनके विपक्षी नेता ने वहां से उठकर चले गए। प्रधानमंत्री जी करीब 2 घंटे भाषण दिए थे। जैसे कि अगर कोई आपको बात समझा रहा है, अगर वह बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको इग्नोर करके चले गए। ऐसे ही उनके विपक्ष वहां से चले गए कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। यह वीडियो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भाषण दिए। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तिबू वापिस ले आइए। इनके विपक्ष वहां से उठकर चले गए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था, और इसको भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। यह थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद में बोला गया। साथ ही इन्होंने यह भी बोला कि कांग्रेस की सरकार में कच्चा तिबू को देकर भारत माता की हत्या उस समय ही हो चुकी थी। साथ ही चले जानते यह भी है कि कच्चा तिबू आखिर है क्या, इनके लिए आखिर विवाद क्यों हो रहा है, कितने लोग तो इनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे कच्चा तिबू का। साथ ही ये रहा भारत का मैप, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा श्रीलंका, और इनके बीच में जो आइलैंड है वो कच्चा तिबू है। आखिर में कच्चा तिबू को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, चले जानते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि जोड़ती है वो पाक जल संधि है। ये जो कच्चा तिबू है, आज से कई वर्ष पहले एक राजा हुआ करते थे रामनंद, उनके कंट्रोल में यह आता था कच्चा तिबू। उस समय यहाँ पे एक चर्च का निर्माण हुआ था। भारत मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पे आता है, जो कि तमिलनाडु के मछुआरे कच्चा तिबू पे जाके मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। यह जो कच्चा तिबू है, यहाँ पे मछली सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यह एक आइलैंड है। साथ ही उस समय के प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी और उस समय के श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी जो महिला थी उनके बीच काफी दोस्ती थी। इस वजह से उस समय के प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका को कच्चा तिबू दे दिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के दोस्ती के लिए आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब जाके तमिलनाडु के लोगों का कहना यह है कि हमें कच्चा तिबू वापस चाहिए, जो कि श्रीलंका के कब्जे में है वो। लेकिन श्रीलंका ने यह साफ साफ बोल दिया है कि हम कच्चा तिबू नहीं देंगे, आप आकर यहाँ पे घूम सकते हैं लेकिन मछली आप नहीं पकड़ सकते हैं। जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी श्रीलंका जा रहे थे तो उनके साथ 2 मछुआरे भी जा रहे थे, तब जाके कच्चा तिबू पे मछुआरे रुके तो उनको गोली मार दिया गया। अब श्रीलंका भारत को कच्चा तिबू देने से इनकार कर रहा है। भविष्य में ऐसा ना हो कि श्रीलंका यह कच्चा तिबू है या चीन को दे दे, अगर वह चीन को दे दिया दिक्कत आएगी। उस समय श्रीलंका में पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे जिनका नाम था सिरिमा भंडारनायक, और इंदिरा गांधी जी के बीच अच्छी दोस्ती थी। साथ ही इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश की कच्चा तिबू आखिर है क्या। यह एक मछली उत्पादन का केंद्र है, यहाँ पे मछली अधिक से अधिक मात्रा में होती है। यह मछली उत्पादन जो कच्चा तिबू है यह श्रीलंका के कब्जे में है अभी फिलहाल। जो तमिलनाडु के लोग है वो चाहते हैं कि कच्चा तिबू को हम कच्चा तिबू पे जाके हम मछली पकड़े, लेकिन
श्रीलंका सरकार यह बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हम करेंगे, क्योंकि श्रीलंका सरकार को इससे प्रॉफिट होता है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और नीचे जो कमेंट है उसमें आप अपना कमेंट भर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, इसका जवाब हम आपको अवश्य देंगे। आप कमेंट आपके लिए ही है, आप कमेंट में भर सकते हैं, अपना विचार आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।